देश में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा वर्षों से उठता आ रहा है। खासकर चुनाव के पहले भी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आरक्षण देने के वादे करती हैं। नौकरियां तो दूर, यहां तक कि चुनाव के मैदान में भी उतरने के लिए महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जाती है, लेकिन सत्ता में आते ही पार्टियां ऐसे वादों को भूल जाती हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी सरकार बनने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सियासी समीकरण बैठाना शुरू कर दिए हैं। जाति आधार पर गठबंधन से लेकर टिकट वितरण में भी जाति समीकरण का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने 33% लोकसभा टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का वादा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आम चुनाव में 41% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करती नजर आईं। देश के नीति निर्माताओं ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार तो दिए, लेकिन हमारे समाज में लोकसभा में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। साल 1966 से संसद के निचले सदन में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला बिल अटका हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई के एक कॉलेज में कहा है, अगर यूपीए की सरकार बनती है तो महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों में 33% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आई डोंट थिंक वुमेन शुड बी सेकंड टू मेन इन एनीथिंग। आई थिंक वुमेन शुड बी एट द सेम लेवल एज मेन इन एवरीथिंग। एंड आई लुक एट द पार्लियामेंट हाउस, आई लुक एट द विधानसभाज, I look at the different states, and frankly, I don't see enough women in leadership positions. I don't see them leading enough companies. I don't see them leading enough states. I don't see enough of them in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. So one of the things that we've decided in 2019, we're going to pass the Women's Reservation Bill in Lok Sabha, Vidhan Sabhas, and we're also going to reserve 33%